हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटर के जो पौधे हैं मेरे, इन पे देखो काफ़ी सारे फूल और इन पे टमाटर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताऊंगी कि हम घर पर अपने इन पौधों को लगा सकते हैं और घर पे ही हमारे बीज होते हैं और घर पे हम इनकी पौध है जो तैयार कर सकते हैं। तो हम इनको ग्रो बैग में, जो मैंने ग्रो बैग की भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने दिखाया था कि इस ग्रो बैग को मैंने हल्की मिट्टी से किस तरह से भरा था, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखो कितने सारे जो हैं टमाटर हैं वो रेड कलर के भी हो गए हैं और पक गए हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये पौधा जो है ये इन फ्रूट से भरा हुआ है। तो इस तरह से टमाटर घर पे हम पौध तैयार कर सकते हैं और उनसे हम टमाटर जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये मैंने किचन में अपने जो टमाटर होते हैं उन्हीं के जो बीज लगाए थे और उनकी पौध मैंने तैयार कर ली थी। और फिर उनको जब 4-5 इंच के वो हो गए थे तो मैंने उन्हें ग्रो बैग में लगा दिया था। तो इस तरह से मैंने ये अपनी जो है टमाटर के पौधे तैयार किए और काफ़ी सारे जो टमाटर और इन पे हैं जो फूल आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप घर पे पौध तैयार करके टमाटर लगा सकते हो और फिर इनमें आप, जैसे अब तो ज़्यादा गर्मी हो गई है तो कुछ ठंड के दिन होते हैं जैसे पौध लगाते हैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम आप इनमें सरसों खली का फर्टिलाइज़र जो होता है वो आप डालें। एक बार ही दिया है मैंने। तो फिर अगर आप पौधों में जैसे आपको फंगस दिखे या फिर इनमें पत्तियों में जैसे मुड़ जाती हैं पत्तियाँ, तो आप इनमें लकड़ी की जो राख होती है वो आप इन पौधों के ऊपर छिड़क दें और कुछ मिट्टी में मिला दें तो फंगस नहीं लगती पौधों को और अपनी जो ये फसल होती है ये अच्छे से तैयार हो जाती है, पौधे जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने इन पौधों को तैयार किया है। तो आप भी अपने घर ये ऑर्गेनिक जो टमाटर सब्जी वगैरह होती हैं ये तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इस तरह से सब्जियां लगाएं।